दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं कुमाऊं द्वार महोत्सव लगा हुआ है हल्द्वानी में। जो खुशी जोशी वो गोविंद दिगारी द्वारा किया गया है, तो मैं रेडी वेडी हो जाती हूँ। मिलते हैं आप सब लोगों को सीधे वहीं। पहुंच चुके हैं हम अंदर, देखिए। बहुत जोरदार तालियों के साथ इन क्षणों को आप उधर को, काफी सारी दुकानें लगी हुई हैं। ये देखिए हमारे मध्य और ये उत्तरी वस्त्र गोविंद दिगारी जी। बहुत ही खूबसूरत पल और बहुत ही खूबसूरत क्षण आज स्टेज पर आप सभी के बीच में कैप्चर होते हुए जी। और हमारे सभी अतिथि जन अब अपना स्थान ग्रहण करेंगे और एक छोटा सा कैमियो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। हमारे सभी गायक जिन्होंने प्रतिभाग किया है इस कार्यक्रम में, बेड़ू पाको गीत वो एक साथ गाएंगे। माननीय लाखन निंगटिया जी का भी हमें यहाँ पर उपस्थिति का आभास हुआ है। हम माननीय लाखन निंगटिया जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे उपाध्यक्ष, बेड़ू पाको एक ऐसा गीत है जो न केवल हमारे उत्तराखंड, अखिल भारत और विश्व के कई देशों में इसे गाया जाता है, और अब तो हमारे सेना के बैंड्स बड़ी शांति और बड़े सुख के साथ बेड़ू पाको के बहुत ही मनोयोग के साथ गाते हैं। हमारे सभी कलाकार मंच पर आ जाएंगे और बेड़ू पाको के गायन के साथ बहुत ही संक्षिप्त प्रस्तुति के साथ हम आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय, समस्त पुलिस प्रशासन के प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को इतने मीठे, सहज और सरल रूप से आप हमेशा कंट्रोल करते आए हैं। सभी हमारे गायक जिन्होंने इस प्रतियोगिता में, इस कार्यक्रम में, इस अनुष्ठान में प्रतिभाग किया है वो मंच पर आएंगे और बेड़ू पाको के साथ इस संध्या का विधिवत शुभारंभ करेंगे। वरिष्ठतम से कनिष्ठतम तक सभी कलाकार एक साथ बेड़ू पाको गाकर प्रस्तुति देंगे। इस गीत का उद्घाटन सीएम सर ने किया था हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। नरेन टोलिया जी ने उत्तराखंड के लब्ध प्रतिष्ठित 24 गायकों से इस गीत को गवाया, नरेन नेगी जी से लेकर पंकज पांडे तक, और इसको काव्य ने परिचित कराया था। और ये गीत ओपन यूनिवर्सिटी में माननीय के कर कमलों से लॉन्च किया गया था। तो आइए, प्रस्तुत है बेड़ू पाको। बेड़ू पाको बारो मासा, बेड़ू पाको बारो मासा, ओ नरण ओ नरण कमल पाको चेता, मेरी चेला ओ नरण कमल पाको चेता, मेरी चेला रूड़ा भूड़ा दीने आया, रूड़ा भूड़ा दीने आया, ओ नरण ओ नरण ओ नरण पूजो मेरा मैदा, मेरी चेला ओ नरण पूजो मेरा मैदा, मेरी चेला द्वार। इनकी कल्पना, शारीरिक संचालन, शरीर सौष्ठव ये बताता है कि कितने अनुशासित अपने जीवन में हमारे झोलिया हुआ करते हैं।
और बहुत संक्षेप में इसके बाद ये सुदर्शन चक्र देखिए तलवार की नोक पर किस प्रकार से ये जैसे सुदर्शन चक्र चलता है अविरल आवाज गति के साथ। ये इस बात का परिचायक है कि ये सृष्टि का क्रम अविरल है, आवाज है। कांटे की नोक पर, तलवार की नोक पर भी यदि हम जीते हैं तो हमारी गति कहीं भी नहीं रुकनी चाहिए। बिल्कुल भीवा एक नच की तरह मस्तक पर रखा है गढ़वा और इसके भीतर है जल, जो इस बात का परिचायक है कि हमें अपने जीवन की रक्षा बहुत ही सूझबूझ के साथ, सावधानी के साथ करनी चाहिए। तालियों के साथ आप स्वागत करें। और निरंतरता की ओर ले जाने का काम करते हैं इन सभी हमारे कलाकारों से मिलने का इस सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे कृषि जैसी संस्थाएं न केवल अपने सामाजिक दायित्वों का उत्तराखंड की सांस्कृतिक कल भी आएंगे सभी संस्थाएं जो भी हमारी लोक संस्कृति को, लोक कला को, हमारे गीत संगीत को। तो देखिए यहाँ पे काफी स्टॉल लगे हुए हैं। लोहा घाट की शान क्या है, लोहे की कढ़ाई, इंडक्शन कढ़ाई, फ्राई पैन, तवा कढ़ाई, दराती, ये देखिए का एक गाना होगा और खुशी और गोविंद माननीय सरिता आर्या जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करने वाले हैं। बहुत ही बहुमूल्य समय से थोड़ा और समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए हमारे बीच में निभाया। आप लोग ने एक बार जोरदार ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इंदर भाई बोल हीरा बोल, क्या चीज़ है रो मन में, दिल की बात बोल, क्या चीज़ है रो मन में, किले छेरी साई तू क्या बात है, बोल हीरा बोल, चुप रह लो न कहला गिच, आइए 1 2 3 4 बोल हीरा बोल, बोल हीरा बोल, चुप रह लो न कहला गिच।
चार गिलास है। जब उठली रहता तू चाहा देर लीजी मेलोल, अरे जब उठली रहता तू जब तू लजा छे दूर में दारुनी पासा, तू लजा छे दूर में दारुनी पासा, अरे चलो हम सब लोग कहेंगे जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल, ठीक है? अरे जय हो कुमाऊं जय हो कुमाऊं, चलते हैं घर को। अब काफी रात हो गए हैं, सात बजे भी खो गए यार। मिलते हैं आप सब लोगों को। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं घर को, घर के पास में। मेरे साथ वाले थे सब खो गए थे, ये सर ने मुझे छोड़ा। सर बहुत बहुत थैंक यू आपको। ये पुलिस वाले, कोई नहीं मिले तो पुलिस वाले हेल्प करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। मित्र पुलिस सबसे मित्रता। हाँ मैं वहाँ अकेली पड़ गई थी तो सर से मैंने बोला कि सर मुझे छोड़ दीजिए। धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मैं घर के अंदर। तो मेरे बच्चे भी सो चुके हैं, एक वहाँ पे सो रहा, एक यहाँ पे सो रही है। तो स्कूल है ना सुबह, इसलिए जल्दी सो गई हूँ। मैंने बोला था सो जाना।
तो दोस्तों ये ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।